हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएमए फाइनल के बारे में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार पूछते हैं कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस किस टीचर से लेनी चाहिए, कौन से फैकल्टी बेस्ड है, अगर वो सेल्फ करना चाहते हैं तो किस स्टडी मैट को उनको रेफर करना चाहिए, नोट्स कैसे अवेलेबल हो सकते हैं उनके पास। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना वाला हूँ, स्पेशली फैकल्टीज के बारे में। एंड अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट को, तो आप बाई सेल्फ आप कैसे कर सकते हो, तो आप मेरे साथ इस कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको एक बेस्ट एडवांटेज मिलेगा कि आपका सीएमए शॉर्ट टर्म में भी कंप्लीट होगा। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज तो इस वीडियो सीरीज का यही होगा आपकी लाइफ में। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपने गलत फैकल्टी के से अगर आपने क्लास ले लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने गलत नोट्स को रेफर कर लिया, तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आपको जो आउटपुट आना चाहिए वो आपको आउटपुट नहीं आ पाएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है फाइनल लेवल पे एसएफएम के केस में। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी और शायद आपका 10 15 20 मिनट जो भी हो वो आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेगा मेरी वीडियो देखने के बाद। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं फाइनल में टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 13 से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, पेपर 13 से लेके और पेपर 20 तक करें। ओके, तो मैं पेपर 13 की अगर आपसे बात करूं, जो हमारा लॉ का सब्जेक्ट है, तो लॉ के सब्जेक्ट में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप बाई सेल्फ कर सकते हो और दूसरा क्लासेज के बारे में कि आप क्लास ले सकते हो। ओके, अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो लॉ में, तो लॉ में मैं बाई सेल्फ का मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा कि आप बाई सेल्फ जाओ, बिकॉज लॉ का सिलेबस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और बाई सेल्फ करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि रिवीजन करना, चीज़ों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप क्लासेज लोगे तो टीचर्स जब आपके सामने बोलते हैं और चीज़ों को याद करवाते हैं तो याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको मैं कुछ कह के बता रहा हूँ तो आपको रिटेन होगा, और जब आप खुद से चीज़ों को पढ़ोगे तो शायद उतने टाइम तक वो रिटेन ना हो पाए। ऐसा डिफिकल्टी जाता है स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं आपको यहाँ यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास के साथ जाओ, ठीक है? तो अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो तो भी मैं बता देता हूँ, अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टडी मैट को तो रेफर मत करो, आप मुनीस भंडारी, इनका सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस का बुक आता है, ओल्ड सिलेबस का बुक लेना। ओके, ओल्ड सिलेबस का आप इनका बुक ले लो, ठीक है? एंड उस बुक के साथ आप जाओ, या फिर अगर आप सेकंड टीचर की आप बात करो तो इसके अलावा एक सर और भी हैं, अमित पॉपली सर। इन दोनों में से आप किसी का भी आप ओल्ड सिलेबस का बुक लो एंड उसके साथ आप बाई सेल्फ आप कर सकते हो, लेकिन ओल्ड सिलेबस का लेना, न्यू सिलेबस का मत लेना, और अपडेटेड होना चाहिए अगर अपडेटेड आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या आता है कि अब हमें बाई सेल्फ क्लब, अगर हम क्लास के लिए जाते हैं तो क्लास किससे ले, तो क्लास के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी मुनीस भंडारी सर से आप क्लास कर सकते हो, या फिर आप मोहित अग्रवाल सर से आप क्लास कर सकते हो। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो हमारे पास दो, मुझे दो फैकल्टी लगते हैं, एक तो मोहित अग्रवाल और दूसरे आप मुनीस भंडारी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन ओल्ड सिलेबस के साथ जाना सीए फाइनल का। तो आपका सिलेबस सेम है, ओल्ड सिलेबस और सीएमए फाइनल एंड सीए फाइनल का दोनों का सेम है। जो हमारा न्यू सिलेबस है एंड उनका ओल्ड सिलेबस है, दोनों सेम है। सिर्फ 10 से 15% का डिफरेंस है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पोर्शन है वहाँ पे बस डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, सारे चैप्टर सेम है, ठीक है? तो ये हमारा लॉ का सब्जेक्ट है। अब जैसे आपको बुक बाय करना है या फिर नोट्स भी चाहिए होता है, तो आपको बुक्स नोट्स कैसे मिलेंगे वो सब कुछ भी मैं बताऊंगा। सेकेंड आता है पेपर नंबर 14 हमारा एसएफएम। तो एसएफएम भी एक टफ सब्जेक्ट है, हाँ, बट स्कोरिंग भी है। तो अगर आप इसको बाय सेल्फ करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आदित्य जैन
आदित्य जैन सर की आप क्या कर लो, नोट्स बाय कर लो एंड बुक बाय कर लो, तो आप बाई सेल्फ भी आप कर सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बिकॉज जो क्लास में लाइव एग्जांपल्स भी देते हैं, और अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन में आपको दूंगा नागेंद्र शाह, बिकॉज इनके क्लासेस फीस 10 to 12 के पास आस पास में आ जाएगी आपको, पेन ड्राइव क्लासेस। एंड सेकेंड टीचर आदित्य जैन सर, बिकॉज इनकी फीस थोड़ी महंगी है, इनकी फीस ने अप्रोक्स 22 के आसपास आएगी, तो इसलिए मैं आपको सेकंड प्रेफरेंस इसमें दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आदित्य जैन सर के पास जा सकते हो। तो ये सेकंड टीचर है हमारे आदित्य जैन सर SFM में, अदरवाइज आप नोट्स ले सकते हो। इनको नोट्स कैसे मिलेगा आपको ये मैं वीडियो के एंड तक में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको 2 फैकल्टीज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर नंबर 15। पेपर नंबर 15 जो है हमारा कॉस्टिंग का है। अब कॉस्टिंग में भी हो सकता है आप बाई सेल्फ करना चाहो या फिर आप क्लासेस लेना चाहो, ओके। अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल को, या तो फर्स्ट ऑप्शन है बाई सेल्फ में कि आप सिर्फ आप स्टडी मटेरियल को आप रेफर करो, स्टडी मैट एंड प्लस आप स्कैनर रेफर कर लो, या फिर सेकेंड ऑप्शन में आपको ये दूंगा कि आप संजय अग्रवाल सर के आप नोट्स ले लो, ठीक है। इनके नोट्स और इनके बुक ले लो, नोट्स प्लस बुक आप इनकी ले लो एंड आप इसके साथ भी आप रेफर कर सकते हो। अगर आप बात करो क्लासेज की, तो क्लासेस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप फ्यूचर में अपनी लाइफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफाइल में बनाना चाहते हो तो आप संजय अग्रवाल सर की आप क्लासेस को आप रेफर कर सकते हो, ओके। इसके अलावा कोई और फैकल्टी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, मुझे यही फैकल्टी सबसे बेस्ट लगते हैं इस खासकर कॉस्ट अकाउंटिंग के मामले में। बहुत पुराने टीचर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं, मैक्सिमम टीचर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं। इनके कोर्स में CIMA तक का क्वेश्चन ये कवर करके चलते हैं, तो आप समझ सकते हो इनका लेवल कितने ऊपर तक ये लेके जाते हैं स्टूडेंट के साथ। और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 to 13 के आसपास इनकी फीस है, तो अगर फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाना चाहते हो तो आप इतना स्पेंड तो आप कर सकते हो, और ये स्पेंड आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर नंबर 16। अगर पेपर नंबर 16 हमारा डायरेक्ट टैक्स है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात करो तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, आप बाई सेल्फ जा सकते हो या फिर आप क्लासेस ले सकते हो। अगर आप बाई सेल्फ भी जाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा बीबी सर या भंवर बुराना सर की आप क्या करो, कॉम्पैक्ट ले लो एंड कॉम्पाइलर ले लो। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो भी मैं सर को ही रेफर करूंगा, बिकॉज डायरेक्ट टेक्स में जो फाइनल लेवल पे जो नॉलेज आना चाहिए वो काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो बीवी सर बहुत अच्छे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी क्लासेज है, मैंने खुद कर चुका हूँ, मैं इनकी क्लासेज, इनकी कॉम्पैक्ट कॉम्पाइलर को मैंने रेफर भी किया है और मैंने अपना फाइनल पास आउट भी किया इनके कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पाइलर की वजह से, तो इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ बीवी सर। तो ये हमारा पेपर नंबर 16 हो गया, ये हमारा ग्रुप 1 फाइनल का कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, ओके। तो ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो हमारा पेपर नंबर 17 आता है। पहले पेपर नंबर 17 हमारा अकाउंट का है, ओके। तो अकाउंट के केस में मैं आपको, फर्स्ट टीचर है हमारे अंजय मिश्रा, ओके। एंड सेकेंड मैं आपको एक और ऑप्शन में दूंगा, अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो, अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट प्लस इंडियस के लिए, अगर आप इंडियस के लिए कोई फैकल्टी फाइंड आउट कर रहे हो तो इंडियस के लिए आप प्रवीण जिंदल है, इनके आप इंडेक्स का नोट्स ले लो
नोट्स एंड प्लस बुक आप इनके पाई कर सकते हो। आप इनके नोट्स एंड बुक से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी फाइनल लेवल पे। बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, मैं खुद अभी इनसे क्लासेस ले रहा हूँ इंडेस की, बिकॉज मुझे इंडेस पढ़ना है और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं रहती है। तो आई एम वर्किंग ऑन डैट, तो इसलिए मैं संजय सॉरी मैं प्रवीण जिंदल सर की मैं क्लासेस ले रहा हूँ इंडेस के लिए। बिकॉज जब मैंने CMA क्वालिफाई किया था तो इंडेस इतना ब्रॉड लेवल पे था नहीं, वहाँ 10 मार्क्स का इंडेस था, तो हमने उतना उसको फोकस नहीं किया था। बट अब कॉर्पोरेट में आपको एक लेवल पे जाना है तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रंजय मिश्रा सर से आप क्लासेस दे सकते हो, बिकॉज रंजय मिश्रा स्पेशली CMA के लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एंड बाकी जो भी फैकल्टी है उनमें प्रॉब्लम क्या है कि CA का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है अकाउंट के मामले में, और CMA का काफ़ी डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होगा कोर्स कवरेज का, इसलिए मैं रंजय मिश्रा सर को मैंने आपको रेफर किया। इसके अलावा हम बात करते हैं पेपर नंबर 18 की, जो कि हमारा IDT है। तो IDT है, IDT में फर्स्ट अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो क्लासेस के केस में विशाल वट्टर सर है, मैंने इनसे क्लासेस ली है विशाल वट्टर सर से, CMA क्वालिफाई करने के बाद क्लास ली, तो आप विशाल वट्टर सर से आप क्लासेस ले सकते हो। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैंने विशाल वट्टर सर की है बूस्टर सीरीज है, ये भी मैंने अभी परचेज किया है। बिकॉज ना मैंने 1.5 साल पहले मैंने GST पढ़ा था एंड काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मुझे लगा कि अभी इनकी क्लासेस काफ़ी लोअर कॉस्ट पे आ रही थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया कि चलो थोड़ा सा टाइम दे के मैं GST को भी रिवाइज कर लूँगा। तो ये विशाल भट्टर सर को इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो विशाल भट्टर सर है, और सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो प्रियंका सक्सेना मैम को। प्रियंका सक्सेना मैम को आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती है मैम भी। मैंने मैम से इंटर में फाइनल में क्लासेस ली थी एंड मेरे एग्जामिशन भी आई थी IDT में। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो सेल्फ के लिए स्टडी मैट सफिशियंट है, स्टडी मैट प्लस आप स्कैनर कर लो तो सफिशियंट है आपके लिए IDT में। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर नंबर 19, पेपर नंबर 19 हमारा कॉस्ट ऑडिट है। अगर आप कॉस्ट ऑडिट की बात करो तो कॉस्ट ऑडिट में अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो बाय सेल्फ के लिए मैं आपको बोलूंगा निखिल सर का आप नोट्स ले लो, सॉरी हाँ बाय सेल्फ करना चाहते हो तो इनके आप नोट्स ले लो एंड बुक ले लो, बिकॉज आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो इसलिए सर की नोट्स एंड मैं बुक्स को आपको रेफर कर रहा हूँ। बिकॉज स्टडी मैट में चीज़ें सीधे मतलब उन्होंने बुक को ड्राफ्ट कर रखा है, और सर की जो बुक है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट में है, तो आपको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आप क्लासेस भी लेना चाहते हो तो क्लासेस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्लासेस भी आप निखिल सर से ले लो, या फिर इसके अलावा अगर आप रंजय मिश्रा सर से अगर आप अकाउंट की क्लास ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाता है SPM DBM की क्लासेज एंड कॉस्ट ऑडिट की क्लासेज, तो आपको एक लो कॉस्ट पड़ेगा, तो आप उनके साथ भी आप जा सकते हो या फिर आप रंजय मिश्रा के साथ भी आप जा सकते हो। हाँ, बट मैंने रंजय मिश्रा सर से मैंने क्लास नहीं लिया, तो मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता कि वो कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं इस सब्जेक्ट को। मैंने निखिल सर से कॉस्ट ऑडिट की क्लास ली है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि निखिल सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये हमारा पेपर नंबर 19 हो गया। अब बात करते हैं पेपर नंबर 20 की। पेपर नंबर 20 SPM DBM है। यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो बाय सेल्फ के लिए आप निखिल सर की नोट्स ले लो, निखिल सर की आप नोट्स ले लो। एंड अगर आप क्लास करना चाहते हो तो क्लास करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर आप क्लास करना चाहते हो तो आप निखिल सर या फिर सेम रंजय मिश्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर नोट्स कैसे बाई करें, नोट्स आप कैसे बाई कर सकते हो किसी भी टीचर की, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन ही कैसे आप बाई कर सकते हो। एक सेकेंड, पहले मुझे अपने गूगल खोल लेने दो।
जस्ट वेट। मैंने गूगल खोल दिया है एंड आपके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सर्च करोगे आप DURGA दुर्गा लॉ हाउस लक्ष्मी नगर, दुर्गा लॉ हाउस लक्ष्मी नगर आप सर्च करोगे तो देखो आपको यहाँ पे दुर्गा लॉ हाउस लक्ष्मी नगर जस्ट डायल पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। एंड ये जस्ट डायल पे जो फोटोस दिख रही है, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, इनका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इस शॉप पे आप बात करके आप इनसे आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअली मैं जब लक्ष्मी नगर में मैं रहता था तो मैं डायरेक्टली जाके मैं बुक और नोट्स परचेज करता था। हाँ, बट अभी भी मुझे कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ एंड पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये मुझे बुक ऑर्डर कर देते हैं। तो आप भी कर सकते हो, इस दुर्गा लॉ हाउस से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी दिल्ली के फैकल्टीज हैं, जो भी टीचर्स की क्लासेस दिल्ली में चलती है, उन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे दुर्गा लॉ हाउस के यहाँ। स्कैनर्स जो भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, आपको यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला है। देखो हमारे यहाँ कोरियर द्वारा समस्त किताबें पेपर्स भेजने की सुविधा है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर रखा है, मंगा रखा है काफ़ी बार, तो मैं डेफिनेटली श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो होप सो इस वीडियो में वो सारी जानकारी। हाँ, अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ सब्जेक्ट है जिसके मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप क्लासेस लो। एक तो SFM हो गया, एक आपका लॉ का सब्जेक्ट हो गया, एंड फाइनल में ग्रुप टू की अगर बात करूँ तो आप SP मेजरमेंट कॉस्ट ऑडिट बाय सेल्फ भी कर सकते हो, अगर आप निखिल सर के नोट्स ले लो। एंड इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जिसका मैं लिंक आई बटन के साथ मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो SP मेजरमेंट कॉस्ट ऑडिट एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मैंने किया, वो सब कुछ इन डिटेल्स मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको आप रेफर कर सकते हो। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।